हाय फ्रेंड्स, ये मैंने आईफोन ख़रीदा था 32 GB वेरिएंट वाला, और इसमें अब ये मिला मुझे 34,000 का, लेकिन इसकी प्रिंट प्राइस है 37,300। इसके बॉक्स में केबल, चार्जर, 5 वाट का चार्जर, 4G फ़ोन है, हेडफोन, लाइटनिंग केबल, ये सब मिलता है। तो देखते हैं फ़ोन के अंदर और क्या क्या है। फ़ोन के सामने मिलता है ये बॉक्स छोटा सा, जिसमें एप्पल्स के कूल स्टिकर्स और यही गाइड स्टफ़ हैं। और ये दिया हुआ है कि यहाँ सिंगल सिम लगेगा, ये सिम इजेक्टर टूल एक मिलता है इसके साथ, और यही सब गाइड स्टफ़ जिसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या करेंगे इसका, इसको मैं साइड में रख दूं। और ये रहा फ़ोन, शायद ये फ़ोन स्टार्ट हो गया क्योंकि ये कुछ देर से वाइब्रेट कर रहा था। और फ़ोन का डिस्प्ले आपको 5.5 इंच का मिलता है, रेटिना डिस्प्ले, और इस 3D टच के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है फ़ोन चलाने के समय। और ये आपको हेडफोन हो गया, जो कि लाइटनिंग जैक के साथ मिलता है। बेस काफ़ी अच्छा है स्पीकर का, स्पीकर सही है। और इसके साथ आपको जो इसके एक्सटीरियर स्पीकर, डुअल एक्सटीरियर स्पीकर है इसमें, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साउंड प्रोवाइड करता है। बॉक्स में इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉक्स को साइड रखते हैं। और इसमें 5 वाट का एक चार्जर है, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है, सॉरी। और इस फ़ोन में आपको 2900 mAh की बैटरी मिलती है। पहले बॉक्स को साइड रख दें। और इसमें इसका GPU है 6 कोर का, और CPU है 2.34 क्वाड कोर। इसका चार्जर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट का है। और इसमें डुअल कैमरा है इस फ़ोन में, दोनों 12 मेगापिक्सल्स के, एक का अपर्चर 1.8 है और दूसरे का 2.8, और एक सिंपल लेंस है और दूसरा टेलीफोटो लेंस है, जिससे आप काफ़ी बेहतरीन फ़ोटोज़ पोर्ट्रेट मोड में ले सकते हैं। ये इसका लाइटनिंग केबल हो गया, जो एक साथ ज़्यादा नहीं चलने वाला। ये कन्वर्टर हो गया आपका जैक, पुराना हेडफोन यूज करने के लिए। और फ़ोन में 10 फ्यूजन चिप मिलता है, जो कि काफ़ी बैटरी, काफ़ी सही तरीक़े से यूज करता है बैटरी को। और मैंने फ़ोन को अपडेट कर लिया iOS 10 से iOS, जो अभी अपग्रेडेड वर्ज़न है, 4G फ़ोन है, और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। और बाकी फ़ोन के बाकी स्पेक्स में आगे का वीडियो देखिए उसके लिए। ये इसका फिनिश है आईफोन का, जो कि पीछे एक कैमरा बम्प मिलता है। ये अब जो बना दिया आईफोन सही है, उसके लिए सब दुनिया इसी को एक्सेप्ट कर रही है। और ये मेरे पास ब्लैक कलर में बहुत, इसका ये जो मिलता है ना एल्युमिनियम बॉडी, सो ये पूरा फिंगरप्रिंट मैग्नेट बन जाता है, काफ़ी फिंगरप्रिंट आते हैं इस पर। और ये साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन, एक साइलेंट करने के लिए एक बॉक्स मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट आते हैं। वैसे सब फ़ोन में आता है, हर एक फ़ोन में फिंगरप्रिंट पीछे मैग्नेट टाइप का दिया ही रहता है, हर फ़ोन में आ जाता है ये। और ये पावर बटन है, और नीचे सिंगल सिम के लिए स्लॉट मिलता है। और ये रहा, एक सेकेंड, हाँ ये मैंने iOS 11 का अपडेट है, ये काफ़ी प्रीमियम लुक है iOS 11 का, बहुत स्मूथली काम कर रहा है। बस कभी कभी लैग आता है इसमें, उसका अपडेट भी आ जाएगा धीरे से, मतलब धीरे से नहीं, मतलब। तो ये IP65 आईफोन है, तो ये फुली वाटरप्रूफ है। आप इसमें आधे घंटे तक आराम से पानी में या फिर बाथरूम में नहा रहे हैं, फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है आईफोन का स्टीरियो स्पीकर, जो कि काफ़ी लाउड है।
So hi friends, इसे देखा ये मेरा अनबॉक्सिंग है और सॉरी मैं इस फ़ोन को अनबॉक्स ठीक से कर नहीं पाया क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया, सो मुझे खोल कर ये चेक करना पड़ा और ये टेम्पर वगैरह उसने लगा के दिया फ्री में मुझे, और इसके साथ मैंने एक बैक कवर लिया ये भी फ्री का मिला। ये फ़ोन मैंने 64,000 का लिया है, जो मैं देहरादून घूमने गया था तो वहाँ से मैंने लिया और इसकी अनबॉक्सिंग आज डाल रहा हूँ। सो फ्रेंड ये फ़ोन बहुत ही कूल है, ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है और 3GB की रैम है और 18 चिप लगा हुआ है इसमें, A11 आईफोन 8 में आ रहा है और 32GB स्टोरेज मैंने लिया, उतने पैसे नहीं थे। बाकी इसका स्क्रीन वगैरह तो सबको पता है, रेटिना स्क्रीन है और मैंने iOS को अपडेट कर लिया, iOS 10 से iOS 11 में। सो फ्रेंड ये फ़ोन फुली वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। अगर ये फ़ोन की अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अभी नया हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।